बीते दिन कनेडा के मॉन्ट्रियल शहर में रह रहे नौजवान वालों अपनी पत्नी की हत्या करने तो बाद फरार पति वालों कैनेडा में ही नहर में छाल मार के खुदकुशी करने की खबर सामने आई है। मृतक की पछाण जलंधर छौनी 32 साल नवदीप सिंह वजो हुई है, जो कि हाल ही की घड़ी कैनेडा के मॉन्ट्रियल शहर में रह रहा है। मृतक के पिता सुरजीत सिंह ने दसिया कि उसके पुत्र नवदीप का विआह रजिंदर कौर उर्फ रूबी पुत्री अमरीक सिंह वासी टांडा उड़मुड़ नाल होया सी, जिन्हां दे दो बच्चे एक लड़की 8 साल एक लड़का 4 साल ने। उन्होंने दसिया कि नवदीप ते रजिंदर कौर विचकार पिछले समय तो झगड़ा रहिंदा सी, जिस कारण नवदीप हत्थों रजिंदर कौर की हत्या हो गई। सुरजीत सिंह ने दसिया कि नवदीप वालों खुदकुशी करन तो पहला कनेडा विच रहिंदे मेरे भतीजे सुखविंदर दे नाल वीडियो कॉल राही गलबात की गई सी। उन्होंने केंद्र सरकार तो मांग की है कि नवदीप अते अपनी नौ रजिंदर कौर रूबी का संस्कार जलंधर विच करना चाहते ने। परिवारक सूत्रों तो मिली जानकारी अनुसार मृतक नवदीप ने नहर विच छाल मारन तो पहला लाइव होके वीडियो बनाई। कैनेडा पुलिस वालों मृतक की पछाण करने लिए बच्चों के डीएनए ले गए ने। ब्यूरो रिपोर्ट, जस्ट टीवी।